राम राम जी, सभी भाइयों को स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मेलू डेयरी फार्म सिधाणी में। चैनल को सभी भाई सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आज की वीडियो भाई पिग फार्म की है, जो मेरे गांव के युवा साथियों ने अपने खेत में बनाया हुआ फार्म है। तो आगे आपको डिटेल से सारा कुछ बताते हैं। देखो भाइयों, इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी नौकरी नहीं मिलती है, और जो भाई बेरोजगार हैं देख कोई ना कोई धंधा ढूंढते हैं, और उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को लास्ट तक देखें। हर काम भाई घाटे का सौदा नहीं होता है। देखो, आदमी को जुनून होना चाहिए और आदमी मेहनत करने वाला होना चाहिए। तो ये मेरे गांव के युवा साथी हैं जिन्होंने ये अपने खेत में फार्म बनाया हुआ है, और भाई मेरे को तो इनका काम बहुत बढ़िया लगा। और भाई खेती बाड़ी का भी काम करते हैं, और साथ के साथ भाई भैंसे भी रखी हुई हैं, और ये अपना साथ फार्म भी चलाते हैं। तो देखो भाई, मेहनत तो करनी पड़ती है। अगर आदमी मेहनत नहीं करेगा फिर तो कुछ भी नहीं है भाई। और जो आदमी मेहनत करता है, जिसके अंदर जुनून होता है, देखो वो भाई सब कुछ कर लेता है। और मैं भाइयों का नंबर भी इसमें डाल दूंगा, जो कोई भी भाई जानकारी लेना चाहता है या कोई भाई नया फार्म बनाना चाहता है तो भाइयों के साथ आप संपर्क कर सकते हो। और भाई दिन रात मेहनत करके भाई अच्छा पैसा कमा रहे हैं। आज भाई भाइयों के फार्म पर गए, भाइयों से मिले, बहुत अच्छा लगा। और चलो आगे आप भाइयों को मिलाते हैं, भाइयों से बात करवाते हैं। रिंकू भाई है, सुल्तान भाई है, विनोद भाई है, तो चलो आपके साथ करवाते हैं भाइयों की बात। राम राम भाई साहब। राम राम भाई। तो सबसे पहले अपना गांव बता दो, कौन सा एरिया अपना? अपना गांव है जी, सिधाणी है जी। अच्छा जी, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में, जाखल ब्लॉक में। जाखल ब्लॉक में। अच्छा, तो आप अपने फार्म के बारे में जानकारी दो, आपने कहाँ से स्टार्टिंग की थी, इस सेट पे कितना खर्चा आ गया, और जो आप सुअर लेके आए थे उन पे कितना खर्चा आया? ये फार्म जी अपना पहली पुरानी शुरुआत थी जी, तूड़ी वाली। ठीक है। हाँ जी, इसमें तैयार करने वास्ते फार्म में 50,000 रुपये खर्चा आया था जी अपना। अच्छा अच्छा। जाली लगा के सारे इनकी कैब से लेके 50,000 मैनोमीटर का सारा कुछ आ गया जी अपना। ठीक है। उसके बाद में जी अपन माल पाया जी, स्टार्टिंग में आप 2 गिल्ट ले थे जी। अच्छा। उसके बाद फिर 2 सूरी ले थी बड़ी। 2 बड़ी सूरी लेके आए थे। 5 गिल्ट ले थे जी, 9,000 की 1 गिल्ट थी अपनी। अच्छा अच्छा। हाँ। और सूरी थी 18,500 की 1 सूरी ले थी। 18,500 की 1 सूरी। हाँ जी। और यहाँ 15,000 का अपना सूर ले थे। अच्छा, 15,000 का 1 सूर लेके आए थे। कुल मिला के अपना 70-80,000 रुपये खर्चा आ गया था इन पे। हाँ। सेड से अलग। सेड से अलग। अच्छा अच्छा, 70,000 मान के चलो तो 50,000 इस पे लग गए। अच्छा, 1,20,000 रुपये का करीब खर्चा आ गया। अच्छा, उसके बाद ये बताओ भी इनकी जो 1 महीने की फीड वगैरह कितना खर्चा है? एक कट्टा जी 1 हफ्ता निकाल दे। अच्छा अच्छा। कट्टा पड़ता 1200 रुपये। 1200 रुपया कट्टा। कट्टा जब मक्की सस्ती थी करके, अब तो महंगा हो रहा है। चलो ये मान के चलो 5,000 रुपये महीना। 5,000 रुपये महीना अपना। 5,000 रुपये महीना खर्चा आ जाए। तो उसके बाद आप बताओ आपको कितना बेनिफिट हुआ, इन्होंने मतलब कितने बच्चे तैयार किए? क्रॉसिंग करवा के लाए थे। अच्छा अच्छा। और जो 2 सूरी लाए थे, हाँ, वो महीना का ब्याज रह रहा था जिनका। अच्छा, 2 लेके आए थे, उनका 1 महीना रह रहा था। हाँ, ठीक है। वो अपना ब्याह की थी, 1 नू 12 बच्चे दिए थे जी। ठीक है। हाँ जी, 1 नू 8 बच्चे दिए थे। अच्छा अच्छा। फिर अपनी जो 2 गिल्ट थी, उसके बाद ब्याह की अपना टाइम 14 दिन लेके जी। अच्छा। कुल मिला के अपने 30 बच्चे हो गए थे जी। अच्छा, 30 बच्चे तैयार कर दिए मान ले, 3 चारों से। हाँ जी। हाँ, चारों से 3 महीने में 30 बच्चे तैयार हो गए। हाँ जी। ठीक है। आगे पीछे भी आई है मान ले, वैसे 3 महीने बच्चा दे देती है। 114 दिन ले लेती है जी। अच्छा, 114 दिन ले लेती है। ठीक है ठीक है। उसके बाद में जी अपना
जो अपनी दोबारा आगे की हो गई थी उससे बाद भी एक सूर्यमुखी आ गई थी। अच्छा अच्छा उसने फिर अपने साथ दी थी। ठीक 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 दे दे उसके बाद में अपनी गिल्ट दूध लड़की थी आगे की हो गई थी क्रॉसिंग हो गई थी उसके बाद में अब कुछ दिन बाद में भी आने वाली कुछ दिन बाद एक दो दिन दो चार दिन ले लेगी थी। ठीक है ठीक। कितने से कितने तक बच्चे दे देते हैं ये? वो छह सात बच्चे से स्टार्टिंग होती है जी। अच्छा अच्छा जो स्टार्टिंग में पहली बार भी आती है दो दो पंद्रह अठारह तक बच्चे देते हैं। अच्छा अच्छा हाँ जी अपना ये बच्चे हैं जी इक्की बच्चे हैं जी शुरू में तैयार करते जी। अच्छा अच्छा छह महीने तैयार हो गए हैं ये छह छह महीने के हो गए हैं नहीं थोड़े कम है जी। अच्छा अच्छा डूढ़ दो महीने में पूरा वेट हो जाएगा जी। अच्छा अच्छा ये कितने दिन के हैं? ये ग्यारह महीने की बाईस तारीख को हुए थे जी। तो आप ये बताओ भी आपको कितना बेनिफिट हुआ है इनके अंदर? मान ले जो आप चार लेके आए थे और तीस बच्चे आपने तैयार कर लिए। अपने जी तीस बच्चे तो तैयार हो गए जी। हाँ जी आप इनको डूढ़ महीने में निकाल देंगे जी अपना एक पूरा हो जाएगा। अच्छा अच्छा वही सूर्य दोबारे बहने लगे हैं जी अभी। अच्छा अच्छा हाँ जी। तो ये जो मान के चलो एक बच्चा आप 2500 रुपए का हिसाब से जाते हैं तो 2500-3000 का जाता है। अगर बड़े करोगे वो तो कीमत बढ़ती रहेगी उसकी। ठीक है ठीक है। तो आपके हिसाब से क्या लगता है अभी ये बेनिफिट का सौदा है? हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। जो मान ले नए आदमी कोई करना चाहते हो तो उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? अच्छा काम है जी अपना बेरोजगार या और तो कोई धंधा है नहीं। ठीक है ठीक है जी। बहुत ठीक बढ़िया धंधा है मान कर चलो कुल मिला के बहुत अच्छा बेनिफिट है। हाँ जी बहुत अच्छा। तो ठीक है दोस्तों वीडियो देखने के लिए सभी भाइयों का धन्यवाद। सभी भाइयों को राम राम।